नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 19 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हो चुका है, परिणाम सामने आ चुके हैं और उसके बाद जो परिणाम सामने आए हैं उससे राहुल गांधी की एक बड़ी विफलता सामने आ गई है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने MLA को भी मैनेज नहीं कर पाए, इसके कारण ये लगने लगा है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से फेल हो गई है। कांग्रेस की रणनीति खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्यसभा चुनाव में अपने ही नहीं बल्कि अपने सपोर्टर्स पार्टियों के, अलायंस पार्टियों के अलावा जो पार्टियां इनको राज्यसभा में सपोर्ट करने वाली है उसको भी बहुमत दिलाया, उसको भी सीटें दिलाई और इसके कारण ऐसा दिखाई पड़ने लगा है कि राज्यसभा में भी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की जो NDA है वो बहुमत की तरफ बढ़ रही है। ये पूरी जो प्रक्रिया चली राज्यसभा चुनाव की उसमें अलग अलग स्टेटों पर अगर नज़र डालें, हर राज्य में किस तरह से रणनीति बनाई गई और कांग्रेस हर जगह पर किस तरह धराशायी होती गई, ये सारे मामले जो सामने आएंगे वो अलग अलग राज्यों की स्थिति देखने के बाद आएंगे। 8 राज्यों में 19 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना था। 19 सीटों के लिए जो चुनाव होना था उसमें कांग्रेस को लग रहा था कि कम से कम 7 से 8 सीट वो जीत पाएगी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा, उसके हाथ सिर्फ लगा 4 सीटें और 4 सीटों पर ही कांग्रेस किसी तरह से अपनी इज्जत बचा पाई। 2 सीट तो ऐसे थे जो कांग्रेस के विधायकों का बहुमत था वहाँ 2 जगहों पे, मध्य प्रदेश और गुजरात में ऐसी स्थिति चल रही थी पहले, जो आंकड़े थे कांग्रेस के पक्ष में थे कि 2-2 सीटें जीत जाएगी कांग्रेस, लेकिन फिर भी वहाँ सिर्फ कांग्रेस को 1-1 सीट ही मिली। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति बनाई गई और जहां भारतीय जनता पार्टी अतिरिक्त सीट जीतने में सफल होने वाली स्थिति में नहीं थी, वहां भी उसने, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया कि कांग्रेस बिल्कुल अब फूट के कगार पर पहुंची हुई है। वहां कांग्रेस के अंदर विद्रोह की स्थिति है कि राज्यसभा चुनाव का परिणाम अब सामने आया, अब वहाँ पर धीरे धीरे 2 गुट बनने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना था जिसका चुनाव हुआ और 3 में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन जो पहले के आंकड़े थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में 1 सीट ही आनी थी, लेकिन पूरी व्यवस्था बदल गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और वो अपने साथ 22 विधायक को लेकर आए, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी वहां 2 सीट जीतने में कामयाब हुई, लेकिन 1 सीट कांग्रेस के हाथ में चली गई और दिग्विजय सिंह फिर से राज्यसभा सदस्य बन गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह के राज्यसभा में जाने के बाद अब कांग्रेस के अंदर बगावत और बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस में 2 गुट वहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। पहले से ही जो राज्यसभा चुनाव होने वाला था उसी समय से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर बगावत की बू आने लगी थी। एक विभाजन तो राज्यसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ और दूसरा बगावत अब फूल सिंह वरैया करने वाले हैं, जिन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया था। उनका और उनके समर्थकों का मानना था कि दिग्विजय सिंह के बदले फूल सिंह वरैया को भेजा जाए, क्योंकि वो दलित नेता हैं और राज्यसभा में तो लंबे समय से दिग्विजय सिंह रह रहे हैं, अब दूसरे नेता को भी मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अंत समय आते आते दिग्विजय सिंह के ऊपर कांग्रेस ने दाव लगाया और कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता, जो बुजुर्ग नेता हैं, इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी फिर से रची, जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रची थी उसी तरह इन्होंने फूल सिंह वरैया को पीछे धकेलने के लिए प्रथम वरीयता के जो वोट होते हैं उसमें दिग्विजय सिंह को आगे रखा गया, जिसके कारण दिग्विजय सिंह आसानी से जीत गए और दूसरी तरफ फूल सिंह वरैया दरकिनार कर दिए गए। इसके बाद अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस में एक दूसरा गुट चल रहा है और वो गुट फूल सिंह वरैया के साथ है, जो किसी भी वक्त कांग्रेस छोड़ के जा सकते हैं। ये स्थिति वहाँ पर बनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो बगावत हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर भी दिग्विजय सिंह कमलनाथ की जो जोड़ी है, जो राहुल गांधी जो जिन लोगों को स्ट्रेटजी बनाने के लिए दिए हुए हैं, वहाँ विपक्ष के जो लोग थे, विपक्ष की दूसरी पार्टियाँ थी, सपा और बसपा जैसे जो सरकार में उनका सहयोगी पार्टी थी पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी तो उस समय, इन लोगों ने भी
भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। दोनों के एक एक विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट देने के लिए पहले से ही ऐलान कर रखा था। उसके बाद जो दूसरी वोट आई है उसके कारण ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब मध्य प्रदेश में बड़ा गेम करने जा रही है। कांग्रेस के जो छोटे छोटे दूसरे सहयोगी पार्टी हैं वो भी अब कांग्रेस से अलग होंगे। वहाँ से अगर बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को ये पहले से ही पता था कि हमें एक सीट ही मिलेगी। ये बात तय थी क्योंकि कांग्रेस में फूट के बिना जो अंतिम समय तक जो चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट के अलावा जो दूसरी सीट जीतने के लिए चाहिए था वो पूरी विपक्षी पार्टियों को मिला के भी नहीं मिलता। लेकिन एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा करके भाजपा ने वहाँ पर एक बड़े बगावत का इशारा कर दिया और उस इशारे के बाद राजस्थान कांग्रेस में दो गुट बन गए। राजस्थान कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच वाक युद्ध चलने लगा। एक तरफ से अशोक गहलोत भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे थे तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ये कह रहे थे कि भाजपा की तरफ से कोई ऑफर किसी विधायक को नहीं मिला है। दोनों के बीच ये जो विवाद है वो और गहरा हो गया है और इसी का अनुमान लगाने के लिए राज्यसभा में एक अतिरिक्त उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की थी और उसी के कारण अब ये दिखाई पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश कर्नाटक की तरह अब राजस्थान में भी एक कांग्रेस के अंदर बड़ी बगावत होगी और उस बगावत में सचिन पायलट एक सारथी बनेंगे। अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश से आगे बढ़ें तो दूसरे स्टेट में भी कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गुजरात में तो कांग्रेस के स्ट्रेटजी पूरी तरह से विफल हो गई। गुजरात कांग्रेस के जो 8 विधायक थे पहले ही इस्तीफा दे चुके थे और कांग्रेस 2 सीटों पर पहले बहुमत के लायक थी कि 2 सीट कांग्रेस के हाथ में चली जाएगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। लेकिन भाजपा ने वहाँ एक नई रणनीति बनाई और राज्यसभा में 2 के बदले 3 उम्मीदवार खड़ा कर दिए। इसके कारण वहाँ चुनाव हुआ और तीसरे उम्मीदवार जो नरहरी अमीन थे जो पहले कांग्रेस के नेता थे उनके पक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी बैटिंग की और उसका परिणाम अब सामने है कि 4 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और कांग्रेस 1 सीट पर ही संतोष कर रही है। कांग्रेस के सारी रणनीति जो पहले की थी वो उसी तरह से विफल हो गई जिस तरह से 2017 में हुआ था। 2017 में टेक्निकल कारणों की वजह से ही 2 वोट कैंसिल करवा के ये जो अहमद पटेल हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा पाए थे और उस समय राज्यसभा जा पाए थे। वही स्थिति यहाँ पर भी हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों को जीत चुकी है और गुजरात में कांग्रेस में फिर से एक और बड़ी फूट होने वाली है। जैसे कि वहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने पहले ही बता दिया है। इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो टक्कर चल रही थी वह है झारखंड। झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव होने थे जिसमें 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन को जाना ही था। 1 सीट पर कोई दो राय नहीं थी कि वो उसके पास जाएगी और दूसरी सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने थी। झारखंड में कांग्रेस और JAM की सरकार है और दोनों मिलके भाजपा के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे थे। उसमें भाजपा के 2 विधायकों को किसी तरह से वोट न देने के लिए ये ऐसी योजना बना रहे थे कि उन 2 विधायकों को वोट न दिलवाया जाए और इसके लिए उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे थे। कोर्ट में ये लोग गए और अंतिम समय में यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ 1 सीट जीत गई, JAM को 1 सीट मिली, कांग्रेस खाली हाथ रह गई। राहुल गांधी के हाथ में कुछ नहीं लगा। झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन सारे जगहों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के स्ट्रेटजी को फेल कर ही दिया। उसके अलावा सबसे बड़ी हार जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच के इस टकराव का हुआ है वो हुआ है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी 4 सीटों पर चुनाव हो रहा था। 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार खड़े कर दिए गए थे और 4 उम्मीदवार YACP के जगन मोहन रेड्डी ने खड़े किए थे। उनके पास 3 सीट जीतने के लायक बहुमत थी और दूसरा जो TDP के एक उम्मीदवार थे जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी के NDA वाले गठबंधन से अलग होकर UPA में शामिल हुए हैं और उसकी सजा इनको भुगतनी पड़ी। 1 सीट वो जीत सकते थे लेकिन
भाजपा ने वहां पर कोई विधायक नहीं होने के बावजूद जगन मोहन रेड्डी को समर्थन दिया और जगन मोहन रेड्डी की रणनीति यही रही और बाद में अंतिम समय में जगन मोहन रेड्डी के चार उम्मीदवार जीत गए। जगन मोहन रेड्डी एनडीए के हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले कई विधेयकों को देखेंगे जिस पे राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन की जरूरत पड़ी है तो उसमें जगन मोहन रेड्डी ने भी उनका समर्थन किया है। उड़ीसा में जैसे बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी के कई बिल का भी समर्थन किया, उसी तरह आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी ने अपने राज्यसभा के सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के बिल के पक्ष में वोट देने के लिए मना लिया था और उनका समर्थन किया था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बैकअप ने जगन मोहन रेड्डी को 4 की 4 सीटें जितवाई और जबकि टीडीपी की स्थिति ऐसी रही कि विधानसभा में उनका 23 विधायक हैं, 23 विधायक विधानसभा में टीडीपी के होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 17 विधायकों ने टीडीपी को वोट दिया। स्थिति ये थी कि 6 विधायक जो टीडीपी के थे वो भी अपने उम्मीदवार के समर्थन में वोट नहीं कर पाए, उन्होंने जगन मोहन रेड्डी के कैंडिडेट को वोट दे दिया और इसके कारण टीडीपी को खाली हाथ रहना पड़ा। और जो चंद्रबाबू नायडू बार बार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना इसलिए करते थे क्योंकि वो राहुल गांधी के गोद में बैठे हुए थे, सारे उनकी रणनीति विफल हो गई, कांग्रेस के साथ जाके उन्होंने जो भूल की थी उसका खामियाजा इस राज्यसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट में 3 सीटें थी, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में, 3 सीटों में से 3 भाजपा या भाजपा के अलायंस को मिली है। मणिपुर में जो स्थिति थी वो कुछ अलग हो रही थी, कांग्रेस वहाँ पर उसी तरह से तोड़फोड़ की रणनीति में लगी हुई थी जिस तरह से दूसरे राज्यों में चल रहा था आंकड़ों के खेल में। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग बना ली थी, कुछ दिन पहले ही 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पार्टी छोड़ने का कोई घोषणा की थी और उसके अलावा जो दूसरी एक छोटी पार्टी है एनपीपी उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार गिर जाएगी और कांग्रेस फिर से उस मुहिम में लग गई थी कि किसी तरह से मणिपुर में उसकी सरकार बन जाए, लेकिन राज्यसभा चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस को धक्का दे दिया, जोर से झटका दिया है, क्योंकि राज्यसभा में 1 सीट पर चुनाव होना था और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट पड़े और एकमात्र सीट पर भाजपा की जीत हुई। और इसके बाद अब आगे भारतीय जनता पार्टी की वहां जो सरकार चल रही है उसको कोई खतरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के ही 7 विधायक हैं जो कांग्रेस में रहते हुए भी भाजपा के पक्ष में आ गए हैं और उनके खिलाफ मामला चल रहा है कोर्ट में कि इनको सदस्यता इनके रहे या न रहे। इस बात के बाद ऐसा लग रहा है कि मिजोरम और मेघालय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टियों को जहां दोनों जगह पर भाजपा ने उनके सरकार में सहयोग दिया है वहां पर दोनों सीट इन दोनों के पास चली गई है और अब एनडीए का धीरे धीरे समर्थन जो बहुमत की तरफ राज्यसभा में बढ़ रहा है, एनडीए का बहुमत होने वाला है और अब 20-22 सीटें और चाहिए एनडीए को जिसके बाद एनडीए राज्यसभा में बहुमत में आ जाएगी और फिर मोदी सरकार अपने कई पड़े हुए अटके हुए विधेयकों पर चर्चा करना शुरू करेंगे, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण ही अभी कुछ विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पा रही है, कुछ विधेयक लाया नहीं जा रहा है और उस पर जो लाया जाएगा तो उसी समय लाया जाएगा जब लोकसभा में अभी बहुमत है और राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को ये लग जाए कि हम इस विधेयक को पारित करवा सकते हैं। तो अब स्थितियां बदल गई है और कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह से विफल हुई है। राहुल गांधी अब बिल्कुल बौखलाए हुए परेशान नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने चीन के मुद्दे पर अपनी उठपटांग हरकतों से, बेतुके बयानों से, बेतुके सवालों से एक बार फिर कांग्रेस को खतरे में डाल दिया है, उसके बाद तो अब यही लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की जो कमेटी है, प्रदेश कांग्रेस है, उसमें बगावत होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।